भाई वैसे तो ना सिंगल लड़कियों को पटाना बहुत ज्यादा आसान होता है, लेकिन आप कुछ ऐसी गलतियां कर देते हो जिससे कि लड़कियां आपको पागल समझती है, लड़कियां आपको चूतिया समझती है और बिल्कुल भी भाव नहीं देती। भाई आप लड़की पटाते टाइम ना स्टार्टिंग में कुछ ऐसी गलतियां कर देते हो जिसकी वजह से ना लड़की आपसे पटती नहीं है और आपको पागल समझती है, आपको चूतिया समझती है। तो भाई आज की वीडियो में ना हम आपकी उन्हीं गलतियों के बारे में जानने वाले हैं जो अगर आप लड़की पटाने के प्रोसीजर में करते हो ना तो लड़की आपसे घंटा भी नहीं पटने वाली। तो चलो यार बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। भाई पहली जो गलती आप करते हो ना लड़की पटाने के स्टार्टिंग में वो ये है कि आप लड़की को लगातार मैसेज करते हो। भाई देखो स्टार्टिंग में तुम्हें यहाँ पे समझना पड़ेगा कि लड़की आपसे बात करना चाहती है या नहीं। अगर लड़की के वहाँ से ठीक ठाक रिप्लाई आ रहे हैं ना तो भाई फिर सही है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर लड़की के वहाँ से हाँ ओके बाय जैसे रिप्लाई आ रहे हैं ना तो भाई वहाँ पे आप समझ जाओ कि लड़की वहाँ पे आपसे बात करना नहीं चाह रही है। हाँ अगर तुम्हारे पास लड़की को पटाने के लिए कोई निंजा टेक्निक है जिससे कि तुम उसके हाँ को बहुत लंबे मैसेजेस में बदल सकते हो तो भाई तुम बिल्कुल ये ट्राई कर सकते हो। लेकिन अगर तुम्हारे पास कोई ऐसी टेक्निक नहीं है ना तो भाई फिर तुम उसके हाँ को देख के ये समझ जाओ कि लड़की अभी आपसे बात करना नहीं चाह रही है, वो अभी आप में इंटरेस्टेड नहीं है। अब लड़की यहाँ पे हाँ करती है, शॉर्ट मैसेजेस करती है, हो सकता है आपके कुछ मैसेजेस को इग्नोर भी कर दे, लेकिन भाई तुम यहाँ पे रुकते नहीं हो। यहाँ पे तुम क्या गलती करते हो ना कि यहाँ पे तुम उसको लगातार मैसेज करते हो। मतलब लड़की ने हाई क्या कर दिया तो तुम क्या करते हो कि यहाँ से मैसेज का पूरा चट्टान भेज देते हो। भाई ये जो गलती आप करते हो ना इससे लड़की इरिटेट हो जाती है। भाई तुम एक बार कुछ सोचो ना कि अगर तुम्हें कोई अनजान बंदा अचानक से बहुत सारे मैसेज करने लग जाए ना तो वहाँ पे तुम इरिटेट होगे नहीं होगे, वहाँ पे तुम्हारा दिमाग खराब होगा नहीं होगा, होगा ना। तो भाई खुद सोचो ना, जब यहाँ पे तुम्हारा दिमाग खराब हो सकता है, तुम इरिटेट हो सकते हो, तो वो तो फिर एक लड़की है, वो तो इरिटेट होगी होगी। तो भाई स्टार्टिंग के फेज में ना लड़कियों को बहुत ज्यादा मैसेज मत किया करो। हाँ थोड़े बहुत कर सकते हो लेकिन तभी जब लड़की का वहाँ से रिप्लाई आ रहा हो, वरना अगर ऐसी लड़की को फालतू में मैसेज करोगे ना तो भाई लड़की तुम्हें वहाँ पे पागल समझ लेगी और हो सकता है कि तुम्हें ब्लॉक भी कर दे। तो यार इसीलिए स्टार्टिंग में ना लड़की को बहुत ज्यादा मैसेज मत किया करो। अब यार बात करते हैं तुम्हारी दूसरी गलती के बारे में जो कि तुम करते हो और जिसकी वजह से लड़की तुम्हें पागल समझती है। वो गलती है कि तुम लड़की के पीछे ना पागल हो जाते हो। मतलब भाई लड़की आपसे थोड़ा सा बात क्या करने लग गई, लड़की आपसे थोड़ा सा फ्रैंक क्या हो गई तो भाई आप ना लड़की के पीछे पागल हो जाते हो और उसे उल्टी सीधी बातें बोलने लगते हो। जैसे कि यार मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, मैं नस-वस काट लूंगा। भाई ये जो चूतियापा तुम करते हो ना ये लड़की को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। हाँ अगर तुम सही तरीके से लड़की को पटाते हो, उसे कंफर्टेबल करते हो तो भाई उसमें ना लड़की को कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन ये जो तुम चूतियापा करते हो ना कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, भाई ये चीज जो होती है ना ये लड़कियों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। भाई लड़की ही तो है, कोई ये थोड़ी है कि तुम्हें फिर दोबारा कभी मिलेगी नहीं। एक लड़की हो सकती है आपको मना कर दे, लेकिन भाई और भी लड़कियां हैं दुनिया में और भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, तो कभी उनको जाके भी ट्राई किया करो, ये नहीं कि बस एक लड़की के पीछे पागल हो जाओ। भाई अब लड़की के पीछे ट्राई करते हो ठीक है, अब लड़की पटती है तो पटे भाई, नहीं पटती तो भाई किसी और पे ट्राई कर लो। लड़की के पीछे ये जो तुम रोना धोना करते हो ना ये लड़कियों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और ये करने से ना लड़की तुम्हें चूतिया समझती है और इसीलिए फिर तुमसे पटती नहीं है। भाई तुम्हारे अंदर ना एक स्वैग होना चाहिए कि भाई पटती है तो पट जा और अगर नहीं पटती तो मत पट, मैं कहीं और ट्राई कर लूंगा। तो यार कभी भी ना लड़की के पीछे पागल मत बनो। भाई अब बात करते हैं तुम्हारी तीसरी गलती के बारे में जो कि तुम करते हो और जिससे लड़की तुम्हें पागल समझती है, जिससे लड़की तुम्हें चूतिया समझती है, वो ये है कि तुम लड़की से कुछ ज्यादा ही चेप हो जाते हो। भाई आप लड़की से बात करते हो ठीक है, आप लड़की को पटाना चाहते हो ये भी ठीक है, लेकिन भाई लड़की से ना कभी भी बहुत ज्यादा चेप मत हो। मतलब ये जो तुम करते हो ना कि बार बार लड़की के पीछे भागते रहते हो, मतलब लड़की आपको जहाँ पे दिखी आप वहीं चल पड़े, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। मतलब कि जैसे कुछ लड़के होते हैं ना जो कि लड़की को कभी भी एक मिनट के लिए भी फ्री नहीं छोड़ते, वो हमेशा उनके साथ चिपके रहते हैं, आप उनको जब मर्जी देख लो वो लड़की के साथ ही दिखते हैं। तो भाई फिर ऐसे में ना लड़की भी उन लड़कों को पसंद नहीं करती जो कि बहुत ज्यादा चेप होते हैं, क्योंकि भाई लड़की को भी ना एक फ्रीडम चाहिए होती है, लड़की को भी एक आजादी चाहिए होती है, उसे ये कभी नहीं लगना चाहिए कि उसका बंदा उस पे शक करता है। और इसीलिए ये जो चेप बंदे होते हैं ना लड़कियां ना इनसे खुद ही दूरियां बनाना स्टार्ट कर देती है। तो भाई इसीलिए ना लड़की से कभी भी बहुत ज्यादा चेप मत हो। तो यार आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आई है तो भाई वीडियो को लाइक जरूर करना और अगर आप चैनल पे नए हो ना तो भाई प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिलहाल के लिए आज की वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।